पे हर जातियों में, हर धर्म के जो हर जात के वर्ग के लोग हैं, हर जातियों में फूट डालने का एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिसका गठबंधन भी कहा जा सकता है। वर्तमान में 2000 लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, जो ये गठबंधन है ना, ये राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये जातिवादियों का गठबंधन है। ये देश में ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं जातिवाद के नाम पे। ये राष्ट्रहित की बात करना ही नहीं चाहते, राष्ट्र एकता की बात करना ही नहीं चाहते। ये तो आपसी फूट डालना चाहते हैं और किसी तरह इस पर राज करें अंग्रेजों की तरह। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आज़ाद मिशन के तहत जो भारत के 543 सीट हैं लोकसभा के, प्रत्येक सीटों पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ISPCS में, जैसे निराश होकर जो बैठे हैं घर पे, उन लोगों को अपने अपने लोकसभा सीटों से उम्मीदवारी के रूप में, स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ना होगा और लड़ें और देश के लिए लड़ें, किसी पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए आगे आना है सबको, लड़ना है और इस देश को बचाना है और इन काले अंग्रेजों को समाप्त करना है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए गर्दनी बग धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप हमारे पीछे एक बैनर देख सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि बैनर पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की आप तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अब्दुल हामिद, APJ अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, और आप नीचे देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता जन आंदोलन आज़ाद पार्टी यानी आज़ाद मिशन के तहत यहाँ पर जो बैनर लगाया गया है, उस बैनर को लगाने के पीछे क्या कारण है और जिनके द्वारा ये बैनर लगाया गया उनसे हम बातें करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ, आपको पढ़कर सुनाते हैं कि देश में भ्रष्टाचारी लुटेरों एवं काले अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए देश के लाल एकजुट होकर आगामी लोकसभा 2024 देश के 543 सीटों पर नवीन स्थापित पार्टी के समर्थित स्वतंत्र प्रत्याशी, सारा कुछ जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है काले अंग्रेजों। काले अंग्रेजों कहने का अर्थ ये है कि जो भारत में एक समय था जब गोरे अंग्रेज शासन करते थे, लेकिन उसके बाद जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद से जो सरकार बनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, उसके बाद काले अंग्रेजों का नाम उन्हें दिया गया जो भारत सरकार होकर भारत को ही लूटने का काम करते आए हैं, और वही काले अंग्रेजों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो हमारे पास एक जो जिन्होंने पोस्टर बनाई है, संस्थापक, उनसे हम बातें करेंगे। आप देख सकते हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या, इधर आ जाइए, क्या कारण था कि आज के दिन आपने ये पोस्टर बनाकर सब कुछ कार्य करने का आपने सोचा। जय हिंद दोस्तों। हम लोग दरअसल, मेरा नाम, मैं अपना पहले परिचय देता हूं आप लोगों को, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। आज़ाद मिशन के तहत हमने एक पार्टी स्थापित किया हूँ, राष्ट्रीय एकता जन आंदोलन आज़ाद पार्टी। पार्टी स्थापित करने का ये नहीं कि हम लोग विधायक सांसद ही बनना चाहते हैं, क्योंकि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी जब वीर, जब उन्होंने लड़ाई लड़ा था देश में कि हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हों, एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक तरह जिएं, लेकिन आज देश में जो वर्तमान सत्ता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ अंग्रेजों से भी कहीं अधिक लूटने का काम कर रही हैं। विकास के नाम पर हो, कहीं किसी भी, आप देख लीजिए मीडिया को, ये बिल्कुल सब चीज़ पता है। और सबसे बड़ी बात यह, जो शहीद स्थल, जैसा कि आप लोगों को पता है 27 फरवरी 1931 को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी एल्फर्ट पार्क में शहीद स्थल है, वहाँ पे 15 अगस्त के दिन, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 15 अगस्त 2023 को वहाँ पे एक, जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वहीं ये पार्क के अंदर ही एक विशाल प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया गया, जो पार्टी के माध्यम से किया गया, लेकिन इसी स्थल पर 15 अगस्त के दिन शहीदों के सम्मान में एक तस्वीर, एक बैनर, पोस्टर तक नहीं लगाया गया। और मैंने इसकी शिकायत वहाँ के DM प्रयागराज को किया, मंडल आयुक्त कमिश्नर को भी किया, लेकिन उस पर उस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। फिर अभी हाल में देखिए आप, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन वहीं पे केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो आए पुलिस लाइन में, उन्होंने अपना झंडारोहण किया और चले गए। वहीं कुछ ही दूरी, मात्र 500 मीटर की दूरी पर शहीद स्थल की प्रतिमा है, जहाँ पर पुलिस लाइन पर आए थे, झंडोत्तोलन किया, और वहाँ से आप समझिए कि 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, हल्का सा 500-600 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर आकर उन्होंने एक सर झुकाकर स्वतंत्रता सेनानी, जो जिन्होंने देश के लिए जान दी थी, चंद्रशेखर आज़ाद का प्रतिमा एल्फर्ट पार्क में बना हुआ, वहाँ पर वो नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, वहाँ से चले गए। यही नहीं, आपको वो वहाँ फिर, मतलब मंत्री जी तो नहीं आए ना, तो वहाँ के किसी BJP हो या कोई भी सत्ता के हो, विधायक, मंत्री, सांसद, DM, ADM, मतलब उच्च स्तर के अधिकारी तक वहाँ पे शहीद गणतंत्र दिवस के दिन पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करने नहीं आए। और जो 15 अगस्त जो आप केशव प्रसाद मौर्य जी की बात बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसे विधायक हैं जो BJP के, हम किसी पार्टी की बदनामी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हार तो गए थे, लेकिन उनका सौभाग्य क्योंकि पार्टी ने उन्हें डिप्टी CM बनाया।
हम लोगों ने आज़ाद मिशन के तहत अमर ज्योत स्थापित किया जाए उस शहीद स्थल पे, उस मांग को लेकर पैदल गए थे, प्रयागराज से पैदल गए थे लखनऊ, लेकिन उस संबंध में वो नहीं मिले, ना तो अमर ज्योत के बारे में वहाँ की जो सरकार है योगी जी की, ना तो उसमें चाहते हैं कि वहाँ पर शहीदों के सम्मान में वहाँ अमर ज्योत स्थापित किया जाए। और 26 जनवरी की जो आपने बताया कि वहाँ पर अभी केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं आए, ये केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं आए इतना ही नहीं है, दुख सबसे बड़ी बात यह है कि जो गणतंत्र दिवस दिन है 26 जनवरी के दिन भाई साहब वहाँ किसी भी जवानों के द्वारा सलामी तक नहीं दिया गया शहीदों को, ना तो वहाँ कोई कार्यक्रम किया गया। जो माला फूल अगर चढ़ा दिया जाता है वहाँ पे, तो मान के चलिए आप वो एक हफ्ता दो हफ्ते बाद ही हटता है जब तक वो सड़ नहीं जाता। जो कि उस पार्क की अगर इनकम की बात करें तो बागवानी से लेकर पर व्यक्ति 5 रुपये अंदर जाने का लगता है, 50 रुपये संग्रहालय का है, 35 रुपये मतलब वहाँ पैसों की हर तरह से इनकम है, लेकिन शहीदों के सम्मान में जो प्रतिमा स्थल है वहाँ पे नियमित रूप से प्रतिदिन माला फूल नहीं चढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, वो जो प्रतिमा लगी हो किसी चौराहे पर लगी हुई प्रतिमा नहीं है, वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की लगी हुई शहीद स्थल पर प्रतिमा है। एक बात टोकना कहेंगे, माफ़ी चाहेंगे, आपको बता रहे थे अगर आपको पता नहीं होगा तो कि अल्फर्ट पार्क वही जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी, और आपको बता देते हैं कि उस पार्क में उनकी प्रतिमा जो बनाई गई है वो उस महज एक प्रतिमा आप मत समझिए, वहाँ पर उन्होंने देश के लिए जो तमाम क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था उसी में से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी वहाँ पर खुद को गोली मारकर ये साबित किया था कि उनका खून मिट्टी का है, भारत के मिट्टी का। और वहाँ पर आपको बताते हैं कि एक पेड़ है जिसके नीचे किस चीज़ का पेड़ होगा, वो जामुन का पेड़ था, वहाँ पर हट गया, लेकिन उसी पे बनाए एक बगल जामुन का पेड़ है वो शहीद स्थल पर। और कैसा लगता है कि सबसे पहले तो बहुत लोगों को आप समझिए, क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही क्लोज मानते हैं अपने आप को इन लोगों के, तो आपको कैसा लगता है कि आजकल के बच्चों को ना चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिवस पता है, ना भगत सिंह का, ना ही इनमें से किसी किन्नी का भी जन्मदिवस नहीं पता, उससे आप कैसे देखते हैं कि आजकल के मेंटेलिटी क्या हो गई? देखिए मेंटेलिटी क्या है, राजनीतिकरण जो है ना वो धर्म के जात के आधार पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। पहले जब 1947 के बाद हिंदू बनाम मुसलमान हुआ किया करता था, आज लोगों में हर जातियों में हर धर्म के जो हर जात के वर्ग के लोग हैं हर जातियों में फूट डालने का एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिसका गठबंधन भी कहा जा सकता है। वर्तमान में 2000 लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, जो ये गठबंधन है ना, ये राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये जातिवादियों का गठबंधन है। ये देश में ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं जातिवाद के नाम पे, ये राष्ट्रहित की बात करना ही नहीं चाहते, राष्ट्र एकता की बात करना ही नहीं चाहते, ये तो आपसी फूट डालना चाहते हैं और किसी तरह इस पर राज करें अंग्रेजों की तरह। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आज़ाद मिशन के तहत जो भारत के 543 सीट हैं लोकसभा के, प्रत्येक सीटों पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ISPCS में जैसे निराश होकर जो बैठे हैं घर पे, उन लोगों को अपने अपने लोकसभा सीटों से उम्मीदवारी के रूप में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ना होगा, और लड़ें और देश के लिए लड़ें, किसी पार्टी के लिए नहीं, इस देश के लिए आगे आना है सबको, लड़ना है और इस देश को बचाना है और इन काले अंग्रेजों को समाप्त करना है। आप देख सकते हैं, आपको पहले एक बात बता दें कि एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज संघ का गठन किया था, वहाँ पर आप समझिए कि देश को आज़ाद कराने के लिए जितने लोगों ने संघर्ष किया है उसी में से ऐसे लोग अभी भी जीवित हैं हमारे भारत देश में जो उनके लिए कार्य करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक समय पर जान दिया था। और आप समझिए कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इनकी खुद की एक अपनी इन्होंने पार्टी बनाई है, जहाँ पर आप समझिए कि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी है, जिन्हें आज समझने वाली बात है, जिन्हें आज नज़रअंदाज किया जाता है, उन लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है उन्हें आज नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है क्योंकि आज भी आप फाइल्स में देखिएगा तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, तमाम सारे क्रांतिकारियों को आतंकवाद का नाम दिया गया है फाइल्स में। सबसे घिनौनी बात यह है, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी के देहांत के बाद उनकी माँ के साथ क्या कुछ किया गया था, उनके मित्र के साथ क्या कुछ किया गया था, आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। और आप समझिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ पर अल्फर्ट पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी और ये साबित किया था कि हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर तिवारी उनका असली नाम था, आपको बताते हैं कि आप उनके बारे में पढ़िए अगर आप नहीं जानते तो, और जानिए कि जिस वजह से उन लोगों ने जान दी थी अपनी देश के लिए, आज उसी देश के लोग उन्हें इस तरीके से भूल गए हैं कि उनका जन्मदिवस तक नहीं पता है, तो उसी के लिए सोशल वर्क करते, आपका नाम क्या बताया आपने? शंकर लाल निर्मल जी।
जिस तरीके से इन्होंने अपना नाम बताया, निर्मल जी ने जी सोशल वर्क का एक जिम्मा उठाया है कि क्रांतिकारियों के बारे में अवगत कराएं लोगों को कि सही मायने में क्रांतिकारी होते क्या हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों को ऐसे जागरूकता फैला रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्रांतिकारियों का अर्थ क्या होता है। लोग तो क्रांतिकारी में नेता को भी जोड़ देते हैं। हम तो क्रांतिकारी के जोड़ देते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह जी, ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के लाठी से अकेले नहीं आज़ादी आई थी, इन्होंने अपने खून से सींचा था इस देश को आज़ादी कराने के लिए। आज ऐसे ही वीरों को इस देश को चाहिए, और जो इस विचारधारा को, जो देश हित के लिए, जो देश के लिए कार्य करना चाहता है, वो आज़ाद मिशन के तहत जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने अपने लोकसभा से लड़ें। अगर ज़्यादा जिनको संपर्क है, ये मेरा नंबर है 7891-66-17, संपर्क करें और लोग जुड़ें। जय हिंद। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।